बिना चीज और बिना ओवन के हम बनाएंगे हमारा जुगाड़ू पिज्जा। सो लेट्स बिगिन मेकिंग अ पिज्जा। फर्स्ट हम बनाएंगे पिज्जे का बेस। उसके लिए मैंने 1 कप बेसन और 3 चम्मच मैदा ले लिया। उसमें मैंने प्याज और चिली फ्लेक्स और मिर्ची डाल दिया और उसे अच्छे से पानी डाल के मिक्स कर लिया। फिर उसमें हल्दी, नमक और लाल मिर्ची मिला डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम बनाएंगे पिज्ज़ा पास्ता सॉस। के लिए तेल में हम उसमें डालेंगे लहसुन और प्याज, उन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, साथ में मिर्ची भी डालेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम उसमें टमाटो केचप और चिली सॉस डालेंगे। उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम बनाएंगे वाइट सॉस सब्स्टिट्यूट ऑफ चीज़। तो मैदा लेंगे और बटर में मैदा को अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद जैसे ही वो थोड़ा हो जाए तो उसे धीरे धीरे अगर दूध डालें तो लम्स ना होते। मेरे लम्स हो गए थे, मैंने फिर भी उसको थोड़ा बहुत ही कोशिश किया सही करने का। उसको अच्छे से लम्स को फोड़ने की कोशिश करेंगे और उसको बस अच्छे से पकाएं। सॉस में टमाटो डालना भूल गया था तो उसे टमाटो डाल के फिर से पकाएं। आप पहले डाल दें और फिर बनाएं पिज्ज़ा बेस। के लिए हमने उस डो को तवे पे तेल डालकर डाल दें, उसके ऊपर ब्रेड रख दें, उसको अच्छी देर तक ढक के पकाएं और जब वो अच्छा आमलेट जैसा हो जाए पलटने के लिए तो उसे उठा के पलट दें। और उसके ऊपर ये सारी टॉपिंग जो बनाई थी हमने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और उसके बाद हमारा वाइट सॉस अच्छे से लगा दें। मैं अच्छे से नहीं लगा पाया और आप अच्छे से लगा देना। उसके ऊपर प्याज, टमाटर, मिर्ची या शिमला मिर्ची जो भी था आपके पास जो रख दें और उसे फिर ढक के उसके ऊपर घी डाल के उसे पकाएं। उस पर अच्छे से घी डाल दें और उसे पकाएं। मेरा इतना अच्छे से नहीं प्लेटिंग हो पाया था जो मैंने दूसरा बना था। दूसरा बहुत अच्छा बना था लेकिन उसमें मैंने वीडियो नहीं बनाई थी और ये बन के तैयार हो गया। वीडियो में अच्छा नहीं दिख रहा लेकिन स्वाद में 1 नंबर था। इट्स माई गारंटी और द मैस मैंने किचन में फैलाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।